ऋषभ ने देख लिया मार्केट में प्रीता को और मार्केट में हो गई ऋषभ प्रीता की मुलाकात। जे हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण निधि करीना बो और राखी माँ के सामने बेहोशी हालत में प्रीता का नाम लेगा और कहेगा कि प्रीता जिंदा है, तभी यह सुनकर राखी माँ निधि करीना बुआ को काफी बड़ा शॉक लगेगा। और जब ऋषभ स्टोर रूम किचन में लगी हुई आग में प्रीता को ढूंढ कर करण के पास वापस आएगा और करण को कहेगा कि करण वो तुम्हारा वहम था, जहाँ पर आग लगी थी मैं वहाँ पर प्रीता जी को देखकर आया हूँ, वहाँ पर मुझे कहीं भी प्रीता जी नहीं मिले। तभी यह सुनकर गुस्से से पीछे से राखी माँ ऋषभ को कहेगी, पास प्रीता को आज हमारी पार्टी में मैंने अपनी आंखों से देखा था और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि करीना बुआ और दादी ने भी देखा था। प्रीता इस दुनिया में है, वो जिंदा है। अगर सिर्फ करण ने ही प्रीता को देखा होता तो ऐसा कह सकते थे कि करण का वो वहम था, और लेकिन मैंने करीना बुआ और तेरी दादी ने आज प्रीता को देखा है अपनी आंखों से कि वो जिंदा है। यह सुनकर ऋषभ राखी माँ करीना बुआ की बात मान जाएगा और लेकिन तभी ऋषभ के सामने निधि को अचानक से गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से निधि कहेगी, बस अब यहाँ पर बहुत तमाशा हो गया, प्रीता इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा रहती, अगर वो जिंदा होती तो आज वो 20 सालों से इस घर से दूर नहीं रहती, वो इस घर में जरूर आती, कम से कम खुद के लिए ना सही तो अपने बेटे शौर्य के लिए आती, लेकिन आती जरूर। यह सुनकर ऋषभ करीना बुआ और राखी माँ कुछ बोल नहीं पाएगी और निधि करण को अकेला छोड़ने के लिए सबको कह देगी। और लेकिन जब ऋषभ आधी रात को अपने कमरे में प्रीता जी के बारे में सोच रहा होगा और कहेगा कि मॉम की बात सही है, सिर्फ अगर करण ने प्रीता को देखा होता तो वो करण का वहम होता, लेकिन यहाँ पर आज हर किसी ने प्रीता जी को देखा है, इसलिए यह वहम नहीं हो सकता। अगर प्रीता जी हमारे घर कल आई थी तो वो जरूर इस शहर से कहीं दूर नहीं गई होगी, वो इसी शहर में होगी और मैं प्रीता जी को ढूंढ कर रहूंगा। यह सोचकर ऋषभ आधी रात को सो जाएगा और सुबह ऋषभ प्रीता को ढूंढने के लिए पहले पुलिस स्टेशन प्रीता जी की तस्वीर लेकर चला जाएगा और ऋषभ पुलिस स्टेशन में प्रीता की तस्वीर इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कहेगा कि इंस्पेक्टर साहब, इनका नाम प्रीता जी है, ये लापता है, मुझे इन्हें ढूंढने की कंप्लेन लिखवानी है। यह सुनकर इंस्पेक्टर कहेगा, प्रीता कब से लापता है, वो मिसिंग कब से हुई और कहां पर हुई, आप हमें सारी डिटेल इस फॉर्म में भर दीजिए। यह सुनकर ऋषभ कहेगा, वो 20 साल पहले ही लापता हो गई थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मेरे घर में इन्हें देखा था, वो भी कल ही म्यूजिक लॉन्च की पार्टी में, इसलिए हो ना हो वो इस शहर में वापिस आई है, इसलिए आप मुझे प्लीज किसी भी कीमत पर आप मुझे प्रीता जी को ढूंढ कर दीजिए। यह सुनकर पुलिस वाले हंसने लगेंगे और ऋषभ को कहेंगे कि पागल हो गए हो क्या आप, ये आप जिसकी प्रीता जी की तस्वीर दिखा रहे हैं वो 20 साल पहले ही गुम चुकी थी, इसका मतलब आप समझ भी रहे हो, अगर किसी इंसान की मिसिंग कंप्लेंट 7 साल से ज्यादा हो जाती है तो उस इंसान को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो हम इस लेडी को कहाँ ढूंढेंगे। यह सुनकर ऋषभ इसके बावजूद इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि आप मुझे प्लीज ढूंढ कर दीजिए, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर साहब ऋषभ की कंप्लेंट लिख देंगे, जिस वजह से जब ऋषभ अपने घर लूथा हाउस की ओर जा रहा होगा तभी ऋषभ अरोरा हाउस यानी कि प्रीता के पुराने घर के पास आएगा और प्रीता को याद करते हुए प्रीता का घर देखते हुए अपनी गाड़ी को रोकेगा। तभी ऋषभ की नजर वहाँ पर प्रीता पर पड़ेगी और प्रीता को अपने सामने जिंदा देखकर ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषभ शॉक के मारे प्रीता का नाम लेते हुए कहेगा, प्रीता जी आप सच में जिंदा है और आप यहाँ ऋषभ प्रीता की मुलाकात देखना चाहते हैं क्या नहीं, और प्रीता की याददाश्त वापस आनी चाहिए क्या नहीं, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, करण प्रीता की या फिर ऋषभ प्रीता की या फिर पलकी राजवीर की या फिर पलकी शौर्य की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।